दावल क्षेत्र के गांव डुमरिया में 2 साल पूर्व 11 नवंबर 2018 को छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए डुमरिया गांव के बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह गुज्जर के अंत्येष्टि स्थल पर भव्य स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है। स्मारक के निर्माण के लिए सरकार एवं प्रतिनिधियों की ओर से कोई पहल नहीं हुई तो शहीद की वीरांगना ने शहीद पति के सम्मान के लिए निजी खर्च पर स्मारक का निर्माण शुरू कराया, जिसका अनावरण शहीद की द्वितीय पुण्यतिथि पर 11 नवंबर को किया जाएगा। वीरांगना राजवती के अनुसार उनके पति महेंद्र सिंह गुज्जर की शहादत के बाद उसे चुनाव के समय धांधस बांधने वालों का तांता लग गया। वहीं गमगीन माहौल में चुनावी सभाओं में पूर्व उप मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने शहीद के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन समय बीतने के बाद शहीद की पत्नी एवं परिवार का दुख समझने कोई नहीं आया। जबकि किसी भी स्तर पर स्मारक के लिए बजट स्वीकार नहीं हुआ तो बच्चे की पढ़ाई के लिए बीएसएफ से मिले फंड की राशि को शहीद पति के सम्मान के लिए पैतृक गांव में भव्य स्मारक निर्माण में लगाने वाली राजवती गुज्जर ने दुख जताते हुए बताया कि वीरांगना ने स्मारक का काम शुरू कराया है और स्मारक को अन्य स्मारक से बेहतर बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का दौरा किया है। शहीद स्थल के लिए प्रतिमा, रेलिंग, गेट के अलावा विभिन्न किस्म के पौधा लगाने से सुरक्षा की दृष्टि से कैमरा लगवा कर सुसज्जित करवाया जा रहा है। भवन पर करीब 17 लाख खर्च किया गया है। वहीं 11 नवंबर को शहीद की द्वितीय पुण्यतिथि पर जिला कलेक्टर नथमल डीडेल एवं बीएसएफ के उच्च अधिकारियों के अलावा जिला एवं उपखंड स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में स्मारक का अनावरण किया जाएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत। मैं शहीद महेंद्र सिंह का छोटा भाई शहीद महेंद्र सिंह, जो कि बीएसएफ में कार्यरत थे, करीब 2 वर्ष पूर्व वो छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उनकी स्मृति में हमने स्मारक का निर्माण करवाया है।